पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पर वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। ये वक्त टीम इंडिया बन के काम करने का। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है, बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था। ये काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का। ये वक्त देश के 36 राज्य और यूटी सरकारों को टीम इंडिया बन के काम करने का। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए, उनको जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए। अब और देरी की तो ना जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जाने चली जाएंगी। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलके टीम इंडिया बन के काम करना पड़ेगा।